मैनचेस्टर में मिली करारी हार के बाद अब भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में सफर खत्म हो चुका है। इस सफर के खत्म होने के पीछे खराब बल्लेबाजी थी, खराब कप्तानी और खराब प्लानिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर भेजा गया 240 रनों के रन चेज में, वो बैटिंग ऑर्डर किसी के गले के नीचे नहीं उतरा। और खासतौर से दो युवा बल्लेबाज जिनको मौका मिला था इस मैच में हीरो बनने का, अगले 3-4 साल उनकी पारी को याद किया जाता, लेकिन उन्होंने इस मौके को जाया किया। हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के उन खराब शॉट्स की। कई ऐसे मौके थे इस मैच में जहां पर भारतीय टीम खराब करने के बाद भी मैच में वापसी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में रिजल्ट पर नजर डालेंगे तो 18 रनों से न्यूजीलैंड ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि अब फाइनल में वो खेलते नजर आएंगे लॉर्ड्स के मैदान पर। क्यों मिली भारतीय टीम को हार, सवाल बड़ा है, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, पूर्व कोच और पूर्व सिलेक्टर अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ, इसके अलावा प्रवीण कुमार हमारे साथ हैं। इनसे लगातार हम चर्चा करते रहे इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान कि भारतीय टीम ने क्या कुछ खराब किया, क्या कुछ अच्छा करते रहे। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप की नंबर एक टीम थी, क्योंकि वो अंतालिका में भी नंबर एक पर थे, लेकिन एक खराब दिन, एक खराब फैसला और भारतीय टीम वर्ल्ड कप से बाहर। और अंशु जी, यहाँ पर हार की जिम्मेदार की अगर हम बात करें तो कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम चर्चा कर सकते हैं। खासतौर से गेंदबाजों ने जो अच्छा प्रदर्शन किया उसको जाया करने का काम भारतीय बल्लेबाजों ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, और देखो राजीव, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय बल्लेबाज एक तो जिस तरह से बल्लेबाजी आप करते आ रहे थे लीग से, वो सेमीफाइनल। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बैटिंग ऑर्डर की बात की, आप जो एक दो तीन आपके बल्लेबाज जल्दी आउट होते, आपको ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जैसे यंगस्टर्स नहीं भेजना, क्योंकि प्रेशर में वो खेल सकते, नहीं खेल सकते, जितना खेल सकते। जब आपके पास महेंद्र सिंह धोनी है, फिर आपके पास दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक 4 नंबर पे आ सकते थे, महेंद्र सिंह धोनी 5 नंबर पे, और दोनों यंगस्टर फिर बाद में फॉलो कर सकते, तो और जडेजा भी थी साथ में, और धोनी वहां पे होते तो साझेदारी भी बनती थी, और वो वहां पे होते तो दूसरे प्लेयर भी साथ में लेके चलते थे, और काफी याद जो 18 रन से हम नहीं होते बिल्कुल। और प्रवीण, अगर हम गुस्सा इसलिए थोड़ा सा हम लोग के भी जहन में है, जो फैंस हैं उनके भी जहन में है, और ये इसलिए कि दो ऐसे युवा बैट्समैन जो हीरो बन सकते थे, ऑलमोस्ट आप सेट है क्रीज पर, और फिर आप क्राइम कर रहे हैं, यानी कि आप जाके अपने विकेट्स को थ्रो कर रहे हैं, जो जिसने किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ऐसे शॉट्स खेलेंगे जब आप ऑलमोस्ट हीरो बनने के कगार पे। राजीव भाई, बहुत बड़ा मौका था, और आपको ये भी पता है ये तुम्हारे लिए लगाया गया कि आप लालच में आओ, लगता आपको लूटने चले जाओ और आप गलत शॉट मारो, और आपने वही गलती की, तो ये दर्शाता है कि आप 21 साल के लेकिन आप कब तक सीखेंगे, मतलब आप तो प्रोफेशनल दौर में आप ये नहीं कह सकते कि युवा मेरे पास सीख रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ, जब विराट कोहली की टीम में आए थे तो विराट कोहली ऐसी गलती करते थे कि 60 रन बनाया, 65 रन बनाया और ऊंचा मार दिया आउट हो गया। विराट कोहली से सीख लेना पड़ेगा, तुम्हारे साथ है कि विराट कोहली ने ऐसा खेल के, और आप आज विराट कोहली 100 पे 100 और हमें भी ये पता था कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली रन नहीं बनाएंगे तो ये वो देखने को मिला। तो राजीव भाई, जो आप बात कर रहे हो ना सीखने वाली, सीखने तो पड़ेंगे ठीक है, आपको 2-4 महीने बाहर बैठाएंगे तब सीख के आओगे, सीखना तो पड़ेगा, अगर हिंदुस्तान के लिए खेलना है तो सीख के तो आना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संदेश दिया प्रवीण ने कि आपको सीखना पड़ेगा, और इनडायरेक्टली आपको कह भी दिया कि आप 4-5 महीने बाहर बैठे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, वहां मैचेस जिताए, उसके बाद आप टीम में फॉर ग्रांटेड आप लेके मैचेस नहीं जीत सकते। अंशु जी वगैरह ने कितने साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, वहां पर रनों के अंबार लगाए, प्रवीण ने न जाने कितने विकेट ली, उसके बाद भी सर्टन नहीं होता था कि आप टीम में खेलेंगे, यानी कि ये जो सर्टन होना, यानी जगह आपकी पक्की होना, तभी आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के मुस्कुरा सकते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो किसी के गले के नीचे नहीं उतरी, हार्दिक पांड्या का अंशु जी मुस्कुराना आउट होके, जब महेंद्र सिंह धोनी बैठ करके खड़े थे, रवि शास्त्री उनके कान पे जाके बात कर रहे, मानो उनको कह रहे हैं कि आप नीचे ही बैटिंग करें, हालांकि महेंद्र सिंह धोनी की जो तस्वीरें हमने देखी कि वो नंबर 4 पे बैटिंग करना चाहते थे। क्या आपको लग रहा है ये थोड़ा सा एक गैप दिखा है, एक कम्युनिकेशन गैप था, जिसका नतीजा ये था कि कोलैप्स हो गई पूरी की पूरी बैटिंग? देखो ये राजीव, ये टाइम नहीं है कम्युनिकेशन गैप के लिए, आपके पास वक्त नहीं है, आपकी बल्लेबाजी शुरू हुई, 3 विकेट गिर गए, आपको पता है क्या हो रहा है, तो वहां पे कम्युनिकेशन गैप का सवाल नहीं होता, वहां पे आपको एक्शन लेना है।
और इमीडिएटली आपको इस तरह से एडिट है कुछ सिचुएशन के साथ। मैं समझता हूँ कि धोनी नंबर 6-7 पर जाके फिनिश कर देंगे, मगर ये सिचुएशन अलग थी। अलग थी बिल्कुल। हाँ, ये सिचुएशन में धोनी को नंबर 4 या 5 पे आना चाहिए ताकि वो दूसरे बल्लेबाज को साथ में लेके चले। जडेजा के साथ किया उन्होंने बिल्कुल जी, और जडेजा की जो इनिंग है मैं तो क्रेडिट देता हूँ धोनी को। शुक्र मनाओ सर, खेलते चला गया, मारता चला गया, उसके बल्ले में अच्छी थी, उसके किस्मत कह लो दिक्कत नहीं लगा, किस्मत की अच्छी थी। मारा एक शॉट फुल मारा तो आगे गिरी, मारा तो आगे गिरी जी, अगर वो जीना अच्छा था इसका मारता चला गया लगती थी बाई चांस हुआ हो जाता था। बिल्कुल शर्मनाक हार होती है। अभी तो हमने करारी हार कह रहे हैं 18 रन, शर्मनाक हार हो जाते हैं लोग बोल रहे हैं लोग बोलते हैं, लेकिन मैं तो धोनी का फैन कॉलेज से हूँ, जैसे कप्तान है जितनी चाहिए तो क्रिकेट को लेकर गए। ठीक है, आज अनफॉर्चुनेट उन्हें पता था कि मैं लास्ट तक रहूंगा, अगर मैंने लास्ट की 6 बॉल खेली तो ये 2-5 रन बना लूंगा। 3-4 बार किया भी बिल्कुल। और हम लोग अंशु जी लगातार डर था इस बात का लीग मैचेस में, क्योंकि ये डर सामने नहीं आया कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों को मौका मिल रहा था, चांस मिला, रोहित शर्मा को 4 बार उन्होंने शतक लगा दिए, और वो जो डर था वो छुप गया। लेकिन इस बार भी डर था इस मैच से पहले कि मिडिल ऑर्डर अगर आया सामने एक्सपोज हुआ तो हम मैच हार सकते हैं, और वही हो गया। ये जो लूप होल है पिछले 2 सालों से भरने की हम कोशिश कर रहे हैं, नंबर 4 सुनते सुनते कान पक गए थे। क्या हुआ उसका, कोई इतने एक्सपेरिमेंट्स को इसका फायदा नहीं। अम्बाती राडू जो अच्छा कर रहे थे उनको अब ले नहीं गए, अपनी पसंद थोपी जा रही है यहाँ पे। बैटिंग ऑर्डर को भी लेके सुनने में सवाल आ रहा है कि ऋषभ पंत को विराट नहीं खिलाना चाहते थे, रवि शास्त्री ने प्रेस करके खिलाया। ये ऐसी बातें और निकल कर आएंगी, क्योंकि हारने के बाद तो सारी चीजें आती हैं। देखो राजीव के हारने के बाद काफी कुछ बातें होती है, बातें चलती भी है, मगर साथ साथ में ये कहना चाहता हूँ कि नंबर 4 या नंबर 5 की हम बात करके भी नहीं, काफी लोग को ट्राई कर चुके हो नंबर जी, 12, 13, 14 लोग नंबर 4 पे खेल चुके हैं जब से विराट कप्तान बनाए। ठीक है, अब 2 साल में आप एक प्लेयर को नहीं वहां पे फिक्स कर सकते हो, बिठा सकते हो, जो आपके नजरिए में ऐसा हो कि वही प्लेयर आज रन नहीं बनाए पर कल बनाएगा। और कौन से प्लेटफॉर्म पे, बड़े वाले प्लेटफॉर्म पे जैसे वर्ल्ड कप। मैं समझता हूँ कि अब दिनेश कार्तिक हो या तो धोनी हो, राहुल को अभी ओपन करना पड़ा, मगर ये भी फर्क पड़ गया, शिखर से भी फर्क पड़ गया, नो डाउट पड़ गया। हाँ। लेकिन उसको कन्वर्जेट कर दिया था 12 रन, लेकिन 4 नंबर से ना विराट को खिला सकते हैं। बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ है जी, ना 4 नंबर से ऐसे तो करना फिक्स करो ना, नंबर फिक्स करो, तो ये खेलना बड़ा करना है, तो संभालना चाहिए, जीरो का आउट हो चाहे तू 100 बना प्लीज तू खेलेगा। चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं जल्दी से। प्रवीण, मैंने शो में भी ये सवाल आपसे किया था कि भारत जरूरत से ज्यादा खराब बल्लेबाजी करके ऐसे आ रहा है, या न्यूजीलैंड ने ज्यादा अच्छी गेंदबाजी की वो इसलिए वो जीते। अभी विराट का भी मैंने सुना कि हम लोग 45 रन में हार गए। मैंने जब हम ऊपर मैच देख रहे थे हम लोग, मैंने जब 3 विकेट गिरा, मैंने पहली ये मैच अब मेरे ख्याल में तो नहीं जीत सकते, करिश्मा ही हो जाए, मोदी भाई जोर से मार रहे या फिर हार्दिक पांडे या फिर जडेजा ने तो बहुत ही कमाल की बैटिंग बनी थी, उसके बारे में बातें नहीं करनी। उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी और जिस लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की है, पिछले जितने भी मैच आप देख लो, वेस्टइंडीज ने जो बॉलिंग की और न्यूजीलैंड ने जो बॉलिंग की वो आगे की लेंथ पे किया और परिणाम आज आप देख लो क्या जी। चलिए अंशु जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अंशु जी, इतने वर्ल्ड कप आप खेले, 2 वर्ल्ड कप आप खेले हैं, कितने वर्ल्ड कप आपने देखे, आपको लग रहा है वर्ल्ड कप हिस्ट्री की इंडिया की सबसे बेस्ट टीम खेल रही थी जो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई? बिल्कुल राजीव, मैं अभी भी कहता हूँ आज भले हार गए हूँ इंडिया, पर मैं अभी भी कहता हूँ ये कॉम्पिटिशन में इंडिया की टीम सबसे अच्छी है जी। अनफॉर्चुनेटली आज हार गए, मगर मैं थोड़ा ये जो डिफरेंस आज हारने का जो बात करें ना राजीव, ये डिफरेंस पड़ा है बड़ा, जो फील्डिंग न्यूजीलैंड कमाल ने कम से कम 20 से 25 रन, हम कमी सर बात कर रहे थे कि 30 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, बॉलर ने उल्टे हाथ से वो जो कैच पकड़ा था ब्रिलियंट, दिनेश कार्तिक ने कैच पकड़ा, बिल्कुल
तो ये फर्क पड़ गया बहुत बड़ा, इसमें कंसर्न का तो ऐसे ही फर्क पड़ गया। चलिए अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और प्रवीण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय सुनी और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये कि न्यूजीलैंड के अगर आप जीतने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो दो सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज रॉस टेलर और केन विलियमसन दोनों ने अच्छी पारियां खेली, उनको ये पता चल चुका था कि इस विकेट में 240 रन के आसपास आप बनाते तो आप फाइट करेंगे इंडियन टीम से, और उनके गेंदबाजों ने अपने अकॉर्डिंग टू द प्लान गेंदबाजी की और भारतीय टीम शायद कॉम्प्लेसेंट थी, थोड़ा जरूरत से ज्यादा कैजुअल अप्रोच में इस मुकाबले में उतरे। जिस तरह प्रवीण भी कह रहे थे कि बार बार बॉडी लैंग्वेज देख के थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था आज भारतीय टीम का, और हम सब भी आश्चर्य में बहुत सकते हैं कि भारतीय टीम जो इस टूर्नामेंट को जीत सकती थी, चैंपियन बन सकती थी, अंशु जी के मुताबिक की वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे बेस्ट टीम साल 2019 में मैदान पर उतरी थी, लेकिन अफसोस कि वो टूर्नामेंट से अब बाहर है।